शेरी अपने रूम को पेंट कर रही हो? ये डिजाइन कुछ इस तरह से आया है। हेलो एवरीवन, दिस इज नैंसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नैंसी द इंडियन ब्लॉगर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डीआईवाई वॉल मिरर पेंट किस तरह से किया जाता है। ये पेंट मैंने अपने डॉटर्स के रूम में किया है। इस डिजाइन को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और मैंने यहाँ पे सिंगल कलर यूज किया है। आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं और 2 से 3 कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे ये पैटर्न बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। मेरे केस में कंडीशन थी कि मेरी शायरी को पिंक कलर ही पसंद है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से ओनली 1 कलर को यूज करते ही डिजाइन क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल आइडिया है अपने किड्स रूम को थोड़ा सा मेकओवर देने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है शेरी का रूम, जिसको मैंने पहले कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। इस रूम का जो बेड है वो सेंटर में नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो वॉल मिरर डिज़ाइन क्रिएट करूँगी वो मैं एल शेप में डिज़ाइन करूँगी। अगर आप लोगों के किड्स रूम में बेड सेंटर में है तो फिर आप उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये रूम में खाली करके अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये देखिए गाइस, मैंने रूम को अच्छे से खाली करके अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैंने यहाँ पे मार्कर टेप की हेल्प से यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। जैसा डिज़ाइन मुझे चाहिए था वैसा मैंने क्रिएट किया है और मैंने पूरा एल शेप में डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये वाली पूरी वॉल मैंने कवर की है। यहाँ पे जो कॉर्नर को मैंने कवर करते हुए पहले मैं सोच रही थी आधी वॉल करूँगी, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने पूरा वॉल ही कवर किया है साथ में और ये प्रॉपर डिज़ाइन मेरा एल शेप में क्रिएट हो गया है। तो अब मैं इसको पेंट करती हूँ और यहाँ पे अब मैं इसी तरीके से पूरी वॉल पेंट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है और ये कलर जो है वो उसको मैं चेक भी कर रही थी यहाँ पर ये सही लग रहा है कलर होने के बाद वॉल पे, और अभी मैं धीरे धीरे पूरी वॉल कर लूँगी। शेरी के रूम में काम हो और शेरी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे शेरी आ गई है और मुझसे पूछ रही हूँ किसका रूम है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो बोल रही है शेरी आपको शैतानी कर रही है। किसका रूम है ये? पिंक। हाँ? पिंक। नहीं, ये रूम किसका है? पिंक। ये पिंक कलर है? हाँ। और ये रूम किसका रूम है ये? पिंक। पिंक? क्यों पिंक? पिंक आया है। हाय। ये शेरी शैतानी कर रही है। मैंने ना यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछाए थे नीचे, ये देखो इसने क्या किया है, सारे न्यूज़पेपर ना ये सब हटा रही है। क्या कर रहे हो? अब कलर लग जाएगा आपके कपड़ों पे, आ जाओ। यहाँ पे शेरी अपने रूम में पेंट कर रही है, वो सुबह से मुझसे कह रही थी कि मुझे करना है मुझे करना है, तो मैंने उसको एंड में ब्रश दे दिया था कि ये लीजिए आप कर लीजिए, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था इसमें ये करने में, बहुत खुश भी हो रही थी। कौन से कलर से पेंट कर रही हो? तो गाइस अभी ये मेरा फाइनल टच हो गया है और आफ्टरनून से इवनिंग हो गया है और इसको करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया और ये अभी फाइनल हो गया है और अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी रात भर के लिए और मैं इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में आप चेक करूंगी। तो गाइस ये देखिए नेक्स्ट डे जब ये अच्छे से सूख गया तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये देखने में कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न भी। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से मैं सारे मार्किंग टेप को रिमूव कर दूंगी। और ये देखिए गाइस सारे मार्किंग टेप रिमूव करने के बाद पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।